Dear students, welcome to my channel. Today's our topic is Standard 10 Basic Mathematics Gala Paper 1 Section B. So let's start with question 25. Find the zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 3 minus 7x. यानी यहां पर ये quadratic polynomial के zeros हमें find करने हैं. So उसके लिए सबसे पहले हम given polynomial लिखेंगे. सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स और उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे. ओके, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो. तो उसके हिसाब से हम इसके टर्म्स को रीअरेंज करते हैं. सो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, और यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, सो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? दो. ठीक है, तो अभी यहां पर जीरोस फाइंड करने के लिए हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो सिक्स थ्री जा 18. अभी 18 के ऐसे फैक्टर्स जिसका प्लस या माइनस करने से 7 आए, तो वो क्या होते हैं, 9 टू जा 18. सो उसके हिसाब से ये क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो ये फर्स्ट दो टर्म्स जो है उसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 3x. सो अंदर बचेगा 2x माइनस 3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 1. सो अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. अभी इसमें से 2x माइनस 3 कॉमन, सो क्या बचा, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो 2x इज इक्वल्स टू 3. सो x इज इक्वल्स टू 3 बाय 2. और यहां पर अगर देखें, सो 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3. ओके, सो रिक्वायर्ड जीरोस R, x is equals to 3 by 2 and minus 1 by 3. Okay, now question 26. Find the quadratic polynomial for which the sum and product of the zeros are 1 by 4 and minus 1 respectively. Yani यहां पर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस हिसाब से फाइंड करना है कि उसके जो जीरोस होंगे उसका सम 1 बाय 4 और प्रोडक्ट माइनस 1 हो. ओके, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, दो. तो लेट द जीरोस ऑफ quadratic polynomial b alpha and beta. Okay, so alpha plus beta is equals to kya hoga, 1 by 4 and alpha into beta is equals to kya hoga, minus 1. क्यों, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है. ओके, नाउ फोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. इफ
zeros are alpha and beta, then alpha plus beta is equals to क्या होता है minus b by a, and alpha into beta is equals to क्या होता है c by a. Okay, so वो formula का यहाँ पर use करते हैं. So alpha plus beta की जगह हम क्या लिख सकते हैं minus b by a is equals to 1 by 4, and alpha into beta इसकी जगह क्या लिख सकते हैं c by a is equals to minus 1. ठीक है, so अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन है. यहां पर हमें क्या देखना है कि a की वैल्यू क्या हो रही है. सो यहां पर a इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 4. ओके, और यहां पर नीचे कुछ नहीं, यानी हम 1 तो लिख ही सकते हैं. सो यहां पर a इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 1. अभी एक चीज याद रखिए कि एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की दो अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती. सो हम ये दोनों वैल्यूज को सेम करेंगे. तो सेम करने के लिए यहां पर अगर हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो c by a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 4 by 4. ओके, सो a इज इक्वल्स टू 4 माइनस b इज इक्वल्स टू 1. सो b इज इक्वल्स टू माइनस 1 and c is equals to minus 4. Okay, now general form of quadratic polynomial, ये क्या होता है ax square plus bx plus c. Okay, so a is equals to 4, 4x square, b is equals to minus 1, minus x, c is equals to minus 4. Okay? So, required polynomial, 4x square minus x minus 4. Okay? Now, question 27, find the roots of the quadratic equation 2x square minus x plus 1 by 8 is equals to 0 by factorization method. Okay, अभी जब भी ऐसा बोला है कि zeros find करो या roots find करो या solution find करो, meaning तो एक ही होता है. ठीक है, so ये question 25 के जैसा ही है, हम उसी हिसाब से solve करेंगे. So, यहां पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2x square minus x plus 1 by 8 is equals to 0. अभी इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये जो 8 है वो रिमूव हो जाए. सो मल्टीप्लाइंग अबोव इक्वेशन विथ 8. सो 8 टू जा 16x स्क्वायर माइनस 8 वन जा 8x, यहां पर 8 कट हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0. ओके, वापस से यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी हम क्या करेंगे मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे. सो 16 वन जा 16, 16 के ऐसे फैक्टर्स जिससे प्लस माइनस करने से 8 आए. सो 4 4 जा 16, सो इट विल बी 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. नाउ ये जो पहले दो टर्म्स है उसमें से क्या कॉमन निकलेगा 4x, सो अंदर बचेगा 4x माइनस 1. ये जो दो टर्म्स है उसमें से मैं माइनस 1 को कॉमन निकालता हूं, सो ये बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. नाउ 4x माइनस 1 इज कॉमन, सो 4x माइनस 1 क्या बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. So,
4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो 4x इज इक्वल्स टू 1, सो x इज इक्वल्स टू 1 बाय 4, ओके. और यहां पर भी 4x इज इक्वल्स टू 1, सो x इज इक्वल्स टू 1 बाय 4, ओके. सो रिक्वायर्ड रूट्स विल बी x इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 एंड 1 बाय 4, ओके. नाउ क्वेश्चन 28, फाइंड द 30th टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10, 7, 4 एंड सो ऑन. सो सबसे पहले 30th टर्म फाइंड करने के लिए गिवन एपी लिख लेते हैं. सो गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10, 7, 4 एंड सो ऑन. तो इसके हिसाब से a इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 माइनस 3, और कौन सा टर्म फाइंड करना है, 30th टर्म, यानी n इज इक्वल्स टू 30. नाउ फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये होगा a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. 30th टर्म फाइंड करना है, सो a 30 इज इक्वल्स टू a कितना है 10 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू d माइनस 3, ओके. सो इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3, सो इज इक्वल्स टू 10, 29 3 जा 87 एंड प्लस माइनस माइनस. नाउ 10 माइनस 87 माइनस 77, ओके. सो 30th टर्म ऑफ एन एपी ये क्या हो जाएगा, माइनस 77, ओके. नाउ क्वेश्चन 29, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी 2, 7, 12 एंड सो ऑन. तो हमें यहां पर ये जो एपी दी हुई है उसके पहले 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन एपी 2, 7, 12 एंड सो ऑन. सो इसके हिसाब से यहां पर a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 5, n इज इक्वल्स टू 10, अभी यहां पर फाइंड क्या करना है, सम. सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. n की वैल्यू है 10, सो s10 इज इक्वल्स टू 10 बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू d 5. 10 by 2, 5, 2 2 is 4, plus 10 minus 1, 9, and 9 5 is 45. So 5 multiply by 45 plus 4, 49, and 49 5 is 245. So sum of first 10 terms of given arithmetic progression will be 245, okay. Now question 30, find the distance between the points minus 5, 7 and minus 1, 3. So we have to find the
डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स से ए माइनस 57 एंड बी माइनस 13। सो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां पर a के कोऑर्डिनेट्स को हम कंसीडर करेंगे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करेंगे x2 y2। ओके, सो यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस 1 माइनस x1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 7 होल स्क्वायर। सो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस 5 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 स्क्वायर। सो इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। सो रूट 32। अभी देखिए 32 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, लेकिन 32 के फैक्टर्स होते हैं 16 एंड 2, उसमें से 16 का स्क्वायर रूट निकल सकता है। सो इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 2। 16 का स्क्वायर रूट 4, अंडर रूट 2 यूनिट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन 31, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए माइनस 4 कॉमा माइनस 2 एंड बी 6 कॉमा 8। यानी यहां पर कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। यानी यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। लेट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी बी पी एक्स वाई। नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाय टू। ओके, हियर एक्स वन वाई वन ये क्या होगा, ए के कोऑर्डिनेट्स एंड एक्स टू वाई टू बी के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स वन माइनस फोर प्लस एक्स टू सिक्स बाय टू कॉमा वाई वन माइनस टू प्लस वाई टू एट बाय टू। सो इज इक्वल्स टू पी माइनस फोर प्लस सिक्स टू, टू बाय टू वन कॉमा माइनस टू प्लस एट सिक्स, सिक्स बाय टू थ्री। सो पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी वन कॉमा थ्री। सो हमें यहां पर क्या फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, तो वो हुए वन और थ्री। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट पी वन कॉमा थ्री। ओके, नाउ क्वेश्चन 32, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 बाय 5
फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। सो यहां पर सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ए बी सी, इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री और एंगल सी को हम थीटा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। सो ये चीज यहां पर हमें मेंशन करनी है, लेट द राइट ट्राइंगल बी ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज राइट एंगल। ओके, लेट एंगल सी इज इक्वल्स टू थीटा। नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो एंगल सी के लिए अपोजिट साइड क्या है, ए बी, एंड हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। सो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 3/5। सो ए बी इज इक्वल्स टू 3k एंड ए सी इज इक्वल्स टू 5k, वेर के इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अभी याद रखिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करने के लिए राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास एबी की वैल्यू है, हमारे पास एसी की वैल्यू है, लेकिन यहां पर बीसी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर। सो यहां पर हाइपोटेनियस क्या है, एसी। सो एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड एबी, एबी स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड बीसी, सो बीसी स्क्वायर। नाउ एसी की वैल्यू है 5k, सो 5k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एबी की वैल्यू है 3k, सो 3k होल स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, सो 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। नाउ बीसी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाए तो 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर ये हो जाएगा 16k स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सो बीसी इज इक्वल्स टू 4k। अभी हमारे पास राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू है, इट मीन्स हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहां पर फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। कॉस थीटा तो ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल सी के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस एसी। BC is equals to 4K divided by AC is equals to 5K, KK cut. So cos theta की वैल्यू क्या मिलेगी, 4/5। Next, tan theta. Opposite side upon adjacent side. तो यहां पर अपोजिट साइड क्या है, AB and adjacent side BC. So AB upon BC. AB की वैल्यू यहां पर है 3K और BC की वैल्यू 4K, KK कट, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, नाउ क्वेश्चन 33, इवेल्युएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री।
2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. तो इसके लिए आपको trigonometric ratios between 0 degree to 90 degree वो table आना चाहिए. ओके, उसमें से हमें ये वैल्यूज लेनी होगी. सो उसके हिसाब से tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1. cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड sin 60 की वैल्यू √3/2. सो यहां पर वो वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो 2 into 1 स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर माइनस √3/2 होल स्क्वायर. सो इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4. सो 3/4 माइनस 3/4 0. सो 2 प्लस 0 2. नाउ क्वेश्चन 34. एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी. The angle of elevation of the top of the chimney from the eyes of the observer is 45 degree. What is the height of the chimney? तो देखिए, यहाँ पर angle of elevation given है, उसके हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि ये question application to trigonometry वाले chapter से है, ठीक है? So हमें ये chapter के लिए ऐसा ध्यान में रखना है कि question को हमें टुकड़ों में divide करना है. धीरे 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 हम डेटा को समझते जाएंगे, उसके हिसाब से फिगर बनाएंगे. एक बार फिगर बन गई उसके बाद इसको सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है? सो याद रखना, ये चैप्टर में सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, आपको धीरे धीरे एक एक डेटा को समझते जाना है, फिर फिगर बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है. ओके, सो सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी. यानी कि कोई ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो किसी चिमनी से 28.5 मीटर दूर है. तो पहले यहां पर फिगर बनाएंगे. ये एक चिमनी है, यहां से 28.5 मीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर है और उसकी हाइट है 1.5 मीटर. क्लियर? नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर. यानी कि ऑब्जर्वर की आईज से चिमनी का जो टॉप है वहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन वो हमें गिवन है 45 डिग्री. सो ये हो जाएगा 45 डिग्री. ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी. यानी हमें ये चिमनी की हाइट फाइंड करनी है. तो अभी यहां पर जो डेटा दिया था वो मेंशन कर देते हैं. चिमनी से ऑब्जर्वर तक का डिस्टेंस था 28.5 मीटर, ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर. इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई. ओके, लेट द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर ए बी और वो है 1.5 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड चिमनी बी सी इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर. अभी देखिए, बी सी एंड ए डी आर पैरेलल एंड इक्वल. सो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, ADT. ओके, नाउ फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर AB इज इक्वल्स टू
CD. And we have to find height of chimney. तो वो क्या होगी? CE. Okay? So from figure CE is equals to CD plus D, इसे बोल देते हैं equation 1. ओके, सो हम यहां पर ऐसा देख सकते हैं कि हमारे पास AD की वैल्यू है 28.5 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, और CD की वैल्यू तो ऑलरेडी AB की वैल्यू जितनी ही हो रही है, तो अगर हमें DE की वैल्यू मिल जाए तो इन दोनों का समेशन करके हम हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो हमें ये फाइंड करना है. तो ये एंगल के लिए ये साइड अपोजिट साइड है और जो गिवन साइड है वो एडजेसेंट साइड है. ओके, सो फॉर्मूला क्या लगेगा? टेन 45 डिग्री. क्यों? क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ओके, सो टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ईडी अपॉन एडी. टेन 45 डिग्री 1, ईडी की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड बाय एडी 28.5. सो ईडी इज इक्वल्स टू 28.5 इनटू 1, 28.5 मीटर. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, सीई इज इक्वल्स टू सीडी प्लस डी. सीडी की वैल्यू यहां पर 1.5 प्लस डी की वैल्यू हमने फाइंड की 28.5, तो ये हो जाएगी 30 मीटर. सो हाइट ऑफ चिमनी नाउ क्वेश्चन 35. टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. यानी यहां पर दो क्यूब्स दिए हैं जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और उसको एंड टू एंड जॉइन किया है. तो हम समझ सकते हैं कि जब दो क्यूब को हम एंड टू एंड जॉइन करें तो क्या फॉर्म होता है? क्यूबॉइड. और ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो है उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर दो क्यूब्स को एंड टू एंड जॉइन करते हैं. ओके, नाउ गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब इज इक्वल्स टू 64. सो साइड इज इक्वल्स टू 64 का क्यूब रूट. So side of cube will be 4 centimeter. Okay? अभी समझिए, side 4 centimeter है, it means ये 4 centimeter होगा, ये भी 4 centimeter होगा, height भी 4 centimeter होगी and width भी 4 centimeter होगी. So 4 resulting क्यूबॉइड लेंथ विल बी 4 प्लस 4, 8 सेंटीमीटर. बट ब्रेड्थ और हाइट उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा. सो
वो 4 सेंटीमीटर एज इट इज रहेगा. ओके, नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला हमारे पास है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. सो इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल इंटू बी 8 इंटू 4 प्लस बी एच 4 इंटू 4 प्लस एच एल 4 इंटू 8. ओके, सो 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32 is equals to 2 into 32 plus 32 64, 64 plus 16 80, 82 is 160 centimeter square. So surface area of resulting cuboid will be 160 centimeter square. Okay, now question 36. Both radius and height of cylinder are equal. If its radius is 7 centimeter, find the volume of the cylinder. यानी यहां पर कोई एक सिलेंडर की बात की है जिसकी रेडियस और हाइट इक्वल है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इट मींस हाइट भी 7 सेंटीमीटर होगी और हमें यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है. सो गिवन डेटा, 4 सिलेंडर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम of cylinder. So volume of cylinder, इसका formula है pi r square h, pi 22 by 7 multiply by radius 7 square multiply by height 7, 7 7 cut, so 22 multiply by 7 7 is 49. Now 49 multiply by 22, 0, 98 plus 98, 8, 1078 centimeter cube. Okay, so required volume of cylinder 1078 centimeter cube. Now question 37. For a given frequency distribution in usual notations, L is equals to 40, F0 is equals to 3, F1 is equals to 7, F2 is equals to 6 and H is equals to 15. Find the mode of the data. Okay, so यहां पर कोई frequency distribution के लिए हमें mode की value फाइंड करनी है और हमें ये कुछ डेटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे. गिवन डेटा, L इज इक्वल्स टू 40, F0 इज इक्वल्स टू 3, F1 इज इक्वल्स टू 7, F2 इज इक्वल्स टू 6, H इज इक्वल्स टू 15. Okay, now mode का formula होता है L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 multiply by H. Okay, so यहां पर L क्या है, 40 plus F1 7 minus F0 3 divided by 2F1, 2 7s are 14, minus F0, 3, minus F2, 6, multiply by H, 15. So is equals to 40 plus 7 minus 3, 4, divided by 14 minus 3, 11, 11 minus 6, 5, multiply by 15. Now 5 3s are 15. So is equals to 40
प्लस 4 थ्री जा 12, ओके, सो 40 प्लस 12 52. सो मोड ऑफ द डेटा इज 52. सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.